नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिक्षा संबंधी साथ ही रीट भर्ती 2020 से संबंधित हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए दोस्तों अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जल्द ही रीट भर्ती 2020 की विज्ञप्ति सरकार जारी कर सकती है। अक्टूबर में दोस्तों आपके इसके फॉर्म भी शुरू हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, अक्टूबर फर्स्ट में या अक्टूबर लास्ट तक दोस्तों इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। साथ ही के फॉर्म है वो सरकार जल्द ही शुरू करने वाली है, क्योंकि लगातार सरकार पर आपका दबाव है वो बनता ही जा रहा है। लाखों अभ्यर्थी इसी इंतजार में हैं कि कब तक आपकी रीट भर्ती 2020 की विज्ञप्ति आएगी, क्योंकि लगभग दोस्तों एक साल का समय आपका बीत चुका है। सरकार पहले ही दो एग्जाम की डेट दे चुकी है, परंतु दोस्तों सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि आपकी विज्ञप्ति कब तक आने वाली है। परंतु सरकार का कहना है कि आपकी विज्ञप्ति जल्द ही आएगी। साथ ही आपकी परीक्षा है वो फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में करवा ली जाएगी। एंड दोस्तों ये आपके लिए अच्छी खबर है। दोस्तों क्या लेटेस्ट खबर आ रही है इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए, साथ ही वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। समय पर होगी रीट परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने रीट की परीक्षा भी समय पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, महिला और बाल विकास, ग्रामीण विकास, साथ ही पंचायती राज, कृषि, राजस्व, वन, साथ ही पर्यावरण और आयुर्वेद सहित अन्य विभागों में अब की प्रक्रियाधीन भर्तियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी विभाग के अधिकारी से ली है। बदलेंगे सेवा नियम, नहीं अटकेगी भर्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, लगातार है, डेली बेसिस पर आपकी अपडेट आ रही है और सरकार भी इसको लेकर थोड़ा सीरियस दिख रही है कि की भर्ती है वो जल्द ही आने वाली है। स्पेशली दोस्तों लाखों, 10 से 12 लाख अभ्यर्थियों को यही इंतजार है कि आपकी रीट भर्ती है वो कब तक आने वाली है। रीट फरवरी में अधिसूचना शीघ्र। जी हां दोस्तों, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट अगले साल फरवरी में आयोजित होगी। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा आयोजित के लिए अधिसूचना जारी करने सहित परीक्षा केंद्रों को उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश वो जारी कर दिए हैं। रीट अगले साल 4 फरवरी को आयोजित होने की संभावना है। हालांकि बोर्ड के अधिकारियों फिलहाल परीक्षा तिथि का खुलासा नहीं किया है। शिक्षा बोर्ड 28 जनवरी से 4 फरवरी साथ ही 11 फरवरी को परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। चूंकि 8 मार्च से शिक्षा बोर्ड की मुख्य परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, लिहाजा बोर्ड परीक्षा 4 फरवरी की तिथि सबसे उपयुक्त मानकर चल रहा है। बढ़ेगा परीक्षा शुल्क। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा शुल्क लगभग आपके 400 रुपये तक आपको दोनों लेवल के लिए देना पड़ेगा। दोस्तों लगातार है वो सरकार के नए नए बयान सामने आ रहे हैं कि जो भी राजस्थान में भर्तियां हैं वो वेंडिंग है। साथ ही इसके अलावा जो वेटेज को लेकर भी सरकार बड़ा फैसला कर सकती है, आपके कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होगा या 1 पेपर होगा। साथ ही दोस्तों जो बाहर के राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तमाम सवालों पर दोस्तों सरकार है वो मंथन कर रही है। जल्द ही दोस्तों आपको अच्छी खबर है वो कभी भी मिल सकती है। सरकार ने हाल फिलहाल में आपकी बैठक की थी, उसमें भी बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया था और लगातार दोस्तों सरकार है इस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों का दोस्तों यहाँ फ्रेशर है। लगातार जो ट्विटर पर कैंपेन चल रहे हैं, लगातार सरकार पर ये प्रेशर है कि अगर अभी भर्ती नहीं निकाली गई तो उनकी जो भी सत्ता है वो अगले जो भी चुनाव आएंगे उनसे निकल सकती हैं, तो सरकार नहीं चाहती। तो लगातार आपकी है हम जानकारी आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।